एक दिन लड़ाई हो रही थी, मसाले वाला सिस्टम था ना, तो ये कह रही थी स्टे अवे फ्रॉम मून। मैंने कहा केड़ा मून है उरे। हाँ, हमारे सॉन्ग में था, मैं और अभिषेक गाने के लिए बैठे हैं और वहाँ हम मून को देख के वी आर फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड देन प्रोबेबली वी सेड दैट। मैं वैसे भी रोमांटिक फील कर रहा था, मना रहा है ठीक है, और अभिषेक है तो मैं भी रोमांटिक फील। पार्टी तो धमाल करने के लिए होती है एंड यस आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अभिषेक हियर, इट्स बीन अ व्हाइल। फिनाले में आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट मिले थे स्टेज पर, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था। बहुत एक्साइटेड हूँ अभिषेक से मिलने के लिए और कल बहुत रैंडमली मैंने उसे ऐसे ही मैसेज किया, तू आ गया वापस मुंबई की पंजाब में? उसने बोला नहीं नहीं आ गया हूँ, बस तुसी दसो मिल रहे हैं ऐसी कल पार्टी शार्टी है। यार देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं अब दोस्ती से ज़्यादा है, अभी भाईचारे का है। वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी। स्टैंड अप कॉमेडी आते के साथ मुझे डालने का मौका मिला और जब भी इतना प्यार आता है, ट्रेंडिंग ट्रेंड कर रहा था वीडियो, तो और भी खुशी है। थैंक यू सो मच। वो स्टेज मेरे लिए हमेशा इतना ऊपर रहा है कि वो कभी नीचे नहीं आता है, तो हमेशा मेरे लिए वो सबसे ऊपर रहा है। तो स्टेज पे जब भी मैं जाता हूँ जैसे मैं पहले दिन स्टेज पे गया था वैसे ही फील होता है। पोस्टर मैंने नहीं देखा जनरली, आज मैं थोड़ा ऑफ था सोशल मीडिया बट मैंने देखा नहीं है, बट अभी जाके मैं पक्का देखूंगा। अभी दिखा ना मेरे पास भी, शायद डिलीट कर दिया मैंने। सच में आ गया पोस्टर? हाँ ब्रो। ओ ब्रो एक नंबर। ऑल द बेस्ट मेरे भाई को, बहुत ज़्यादा प्यार और बधाइयाँ। और ये गाना मैंने सुना है ऑडियो, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। अबीरा का जो अबीरा का तो सॉन्ग आने ही वाला है। अबीरा क्या होता है? अच्छा ये और मनारा। अबीरा कैसे हुआ? अबीरा अबीरा वैसे मुनारा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने देखा अभिषेक का और मनारा का वीडियो, दोनों को ऑल द बेस्ट और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुनारा के लिए वेट कर रहे लोग। हाँ तो वेट ही करने दो, वो वेट ही रहेगा। नहीं नहीं मतलब मैं ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह है जो ऑलरेडी प्लान है, शूट भी है, तो अब वो देखते हैं कब रिलीज हो रहा है। भाई अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। इनका यही क्वेश्चन, वही सोचा मैं, मतलब कोई पूछ क्यों नहीं रहा वाला सवाल। जी 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 बना रहे, कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिहर्सल्स भी चालू है, सब कुछ चालू है, तो बस बना रहे कंटेंट, बना रहे ऑडियंस को देने के लिए बढ़िया वाला। मुनव्वर आपके साथ
आपने तो बोला गलत अफवाह है, क्लियर। मुनव्वर आपको मनारा के साथ नहीं देखा जा रहा है बिग बॉस के बाद, आपको अभी तो अंदर से हम लोग 105 दिन रहने के बाद जब बाहर आते हो बहुत सारा एक डिफरेंट अटेंशन है, डिफरेंट लोग है, अपॉर्चुनिटीज है, काम है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर भी निकले तो मिले, ऐसा नहीं होता हो जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, अपना अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए लोगों को। ज़्यादा मिलेंगे तो लड़ाई ही होंगी, बिग बॉस ही बन जाएगा। 105 दिन साथ में थे, अभी नहीं मन करता एक दूसरे को देखने का। मिलते रहेंगे, इस तरह का कुछ भी शो इवेंट होता है या कुछ भी काम रहा तो मिलते रहेंगे, ऐसा है, बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। अभिषेक तो मुझे, मैं और अभिषेक 2-3 बार मिलने की कोशिश की बट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ द शेड्यूल, बट इट्स ऑल चिल। अभिषेक नहीं आ सकता मेरे घर पे क्योंकि इसको क्या है भाई, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या है, कौन सा फ्लोर है? 40 फ्लोर, तो वो नहीं चढ़ पाया। एक दो विनर है इधर, नहीं विनर विनर ही ना, एनआरआई कैटेगरी तीन विनर अभी, और एक किस कैटेगरी में है? मैं विनर कैटेगरी विनर फ्रॉम एलए। कांग्रेचुलेशंस मुनव्वर, बट वी आर वेरी हैप्पी ऑन योर सक्सेस एंड मे यू राइज एंड रीच मून। थैंक यू सो मच। एक दिन लड़ाई हो रही थी, मसाले वाला सिस्टम था ना, तो ये कह रही थी स्टे अवे फ्रॉम मून, मैंने कहा केड़ा मून है उरे। हाँ, हमारे सॉन्ग में था, मैं और अभिषेक गाने के लिए बैठे हैं और वहाँ हम मून को देख के वी आर फीलिंग वेरी रोमांटिक एंड देन प्रोबेबली वी सेड दैट। मैं वैसे भी रोमांटिक फील कर रहा था, मना रहा ठीक है, और अभिषेक है तो मैं भी रोमांटिक फील ऑलमोस्ट। सांवरे के लिए ऑल द बेस्ट दोनों को, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, और अब वो सांवरे के बारे में क्वेश्चन है वो पढ़ो। नहीं हो गए वो क्वेश्चन, हो चलो सांवरे के तो क्वेश्चन हो ही गए हैं सारी। यस सांवरे इज डन, थैंक यू फॉर हैविंग अस। चलो थैंक यू सो मच। अभिषेक भाई सेंटर में, बैठे नहीं है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सारा प्यार मिलेगा, बट थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने। राइट में हाँ, मुझे बोला जा रहा था कि लड़की नहीं मिलेगी, वैसे तो अभी भी नहीं मिल रही। नहीं, अभी मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी तू काम पे ध्यान दे ले, बहुत लड़की लड़की कर लिया तूने, थोड़ा करियर पे ध्यान दे। खान शादी और मैं अभी तक मिल ही नहीं पाया, हमारी बात जरूर बात हो गई है जरूर, बट वो अभी मिल नहीं पाया, बट जल्दी मिलेंगे क्योंकि मैं 2 दिन शूट पे चला गया था और वो भी अपना गाना रिलीज कर रही थी, तो अभी इसकी होती नहीं। हाँ मैंने देखा, मेरी बात भी हुई, वो दोनों बहुत पसंद, मैं भी जल्दी मिलने वाला हूँ, होपफुली जल्दी ही मिलूँ मैं। अब मैं भी अब मिलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सेटल सा हो गया, पहले मैं थोड़ा टायर्ड था, सेटल नहीं हो पा रहा था। इसमें सांवरे सॉन्ग है और ये 12th फेब को रिलीज होने वाला है और रोमांटिक सॉन्ग है, तो जो सारे कपल्स हैं, जो लवर्स हैं, उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा और वैलेंटाइंस डे के आसपास रिलीज हो रहा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है और अखिल सचदेवा जी ने गाया, जिन्होंने वो गाना गाया था सुन मेरे हम सफर, तो बहुत प्यारा ही गाना है, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपको बहुत पसंद आएगा, आप बहुत सारा प्यार दिया। आपकी फेवरेट प्लेस पे ये शूट किया गया है चंडीगढ़? मेरे उड़ारिया के सेट पे शूट किया गया है। क्या बात है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी वहाँ पे मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, और सरगुन मैम भी मिले, उन्होंने भी बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा खेला, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभिषेक भाई सामने देखो ना, सामने अभिषेक भाई, भाई आपके लेफ्ट भाई, सामने लेफ्ट में, लेफ्ट में लेफ्ट में, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई आपके लेफ्ट, अंदर मुझे भी नहीं पता, मैंने आज इन्विटेशन भेजे थे, वो नहीं मतलब मैं जो पर्सनली भेजना चाह रहा था, बाकी मेरी टीम ने सारा काम कर दिया था। अब से भाई सेंटर में जो लोग आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो लोग आ गए, काफी सारे लोग आ गए, मैं नहीं मिल पाया,
मैं खुद लेट हो गया क्योंकि मैं लैंड चंडीगढ़ से डायरेक्ट यहाँ पे आया, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ मैंने बात तो की है, वो किसी रिहर्सल्स में बिजी है, कुछ उसका भी आने वाला, तो मैंने बोला है कि आ जाना यार 10 मिनट के लिए आना, तो आएगा वो। दोस्ती पक्की है क्योंकि हमारी वीडियो कॉल में इतनी बातें होती हैं, इतनी ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी बातें होंगी, बट हम बहुत बातें। अभिषेक मुनव्वर का अभी जो स्टैंडअप कॉमेडी का वीडियो आउट हुआ है, वो आपने देखा? नहीं मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं, मेरे पास ही टाइम नहीं था और मैं अपने घर पे गया हुआ था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ भी मैं कर नहीं पाया, प्लस मैं गाना भी शूट कर रहा था, तो थोड़ा सा। अभिषेक आपका मीटअप बहुत अच्छा रहा, आपके फैंस आपने देखे, क्या कहना चाहूँगी, आपको मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं आधे घंटे पहले स्टोरी लगाऊंगा और इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे को पहले बोलना चाहिए था कि मैं आने वाला हूँ, तो शायद और लोग इकट्ठे हो जाते, बट बहुत भीड़ थी, पूरा गोविंदगढ़ जाम हो रखा था और सारे मेरे घर पे आए और सबने एक एक करके फोटो खिंचवाई। मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ सबके साथ फोटो क्लिक करके, मेरे पापा ऐसे खड़े थे कि सबके साथ खिंचवा, क्योंकि सबने एक एक वोट डाला मेरे को, तो मैं सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा हूँ, तो अच्छा लगा बहुत। मेरे लिए बहुत ही अलग मूवमेंट था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब यहाँ पे, पर हुआ ये, और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जय श्री राम जय माता दी, कि मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं आगे मेहनत करता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। अभिषेक बहनों का क्या रिएक्शन था, आपसे हग करके बहुत इमोशनल हो रहे थे वो? जी वो मेरी सिमरन दीदी थी, वो मेरी उड़ारिया में मेरी दीदी प्ले करती थी, तो मैं उनको दीदी ही बोलता हूँ, और मेरी माँ जो प्ले करती थी उनको मैं माँ ही बोलता हूँ, तो वो लोग भी आए थे, मुझे नहीं पता था वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने उनके पैर छुए, हग किया, वो लोग बहुत प्राउड थे, प्लस मेरी रियल सिस्टर, मेरी रियल मॉम, वो लोग भी बहुत प्राउड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। आपका भी सॉन्ग आ रहा है सोने, कब तक आएगा? वैलेंटाइन डे को रिलीज होगा और उससे पहले। किसके साथ में आप सोलो है क्या? बस देखेंगे अभी क्या कैसे गाना है, अच्छा लग रहा है लुक, बहुत अच्छा लग रहा है, मनारा का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सॉन्ग का ज्यादा वेट? सॉरी आपका सॉन्ग का ज्यादा वेट? हाँ जल्दी आएगा, मेरे बैक टू बैक है। थैंक यू बिजूका, बिजूका नाम है, बिजूका, ओके। क्या बात कर रहे हैं आप, पुराने हो वैसे, हम बहुत टाइम से जानते हैं आपको। हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत कम निकल पाते हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कम से कम ऐसे ही कुछ गेट टुगेदर हो जाता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, और आई होप इन लोगों का गाना भी अच्छा जाए, तो बस वही देखने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुनव्वर जी को खास करें, अपना काम करें, आगे बढ़ें, क्योंकि जो मुकाम पर वो आए हैं इतनी मेहनत करके, तो दूसरों की बातों में उसने ये बोला उसने ये कहा, वो सब चीज़ें बातों में ना आए, काम करें, वो हो गया। हाँ वो हारा कहाँ है, वो कहाँ से हारा, मतलब टॉप 5 में जो चला गया वो हारते नहीं हैं, वो जीत चुके हैं, वो 3.5 महीने वो सर्वाइव करके आए, वो डेफिनेटली जीत चुके हैं, वो कोई हारे नहीं है, कोई 5 वो नहीं हारे, वो और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम भी करेंगे, और हारना जीतना नहीं होता, आप कितने कैपेबल में हो, कितना काम कर सकते हो वो देखो, हारना जीतना कोई टॉपिक ही नहीं है, इस चीज़ से हारना जीतना देखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ये हार जीत नहीं होती।
मैंने नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं देखती इनफैक्ट ये सब चीज़ें, बट तब भी बोलना चाहूँगी कि इग्नोर ये सब चीज़ें, बेफालतू की कोई मतलब नहीं है, आप काम करें आगे बढ़ें बस। सॉन्ग आ रहा है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और मेरा डिफरेंट करेक्टर है उसमें, और टी सीरीज से हैं तो आता रहेगा और भी। बोल रही हूँ कि आई होप मेरा एक नया गाना आ रहा है इश्क, जिसमें मैं एक अच्छा प्ले कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को, सब लोगों को अच्छा लगे, कीप डूइंग। चैनल आईडी हाय गाइस, आप देख रहे हैं मुझे बिजुका पे। पूरा कैमरा डालेगा अंदर, अभिषेक भाई जेल में भाई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि विनर आप ही और जीतना, क्या आप बोलना चाहते हैं? इधर बोलो आदमी, तो बस खुश खुश दोस्तों यार, आ रहे भाई, अरे रुक जाओ, अभी तो आ ही रहे हैं, वही एक मिनट आप रास्ते में। बहुत एक्साइटेड हूँ अभिषेक से मिलने के लिए, और कल बहुत रैंडमली मैंने उसे ऐसे ही मैसेज किया, तू आ गया वापस मुंबई की पंजाब में? तुझे बोला नहीं नहीं आ गया हूँ, बस तुसी दसो मिल रहे हैं ऐसी कल पार्टी शार्टी है? तो ऐसे अच्छा ठीक है, जनरल कुछ होगा तो बोला इनवाइट आएगा ये वो, ऐसे अच्छा फिर आया, आना ऐसे ऑब्वियसली आऊँगी, तुझसे मिलने तो आऊँगी ना, चाहे तुझे मिल के चली जाऊँगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, एंड क्यूटी पाई लग रहा है एज यूजुअल। आई नो कितना सेक्सी था यार, सुपर्ब था, बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई देखकर मुनव्वर का भी और अभिषेक का भी फैन में पूरा। आप लोग जिसको आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली बोलती आई कि आई यू नो टू बिगिन विथ आई जस्ट होप अभिषेक और मुनव्वर सलमान सर के आजू बाजू में खड़े रहे, एंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरा ऐसा था कि आई थिंक ये लोग ही रहेंगे, आई थिंक ये लोग ही रहेंगे, अच्छा टॉप थ्री यू नो आई मीन, एंड सब ने सवाल किए थे टॉप थ्री टॉप फाइव वाला, मेरा हमेशा यही रहा था कि मुनव्वर और अभिषेक रहे, बाकी ऑफकोर्स जीतेगा कौन ये तो हम में से कोई नहीं जानता, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जो एटलीस्ट मैंने दुआ की, जो मैंने चाहा अभिषेक और मुनव्वर के लिए वो हुआ, सो आई एम स्टैटिक अबाउट इट। ये तो होंगे ही होंगे, इनके साथ मैं भी हूँ। जी अरे बहुत एक्साइटमेंट है, लेट नाइट्स होती जा रही हैं, मोटे हो जाएंगे ऐसी खा पी के, इतना अच्छा खासा बिग बॉस ने हमें रिड्यूस करवाया है तो थोड़ा वो ज़रूर इफेक्ट करता है, तो कोशिश करते हैं कुछ खाए पिए नहीं ज़्यादा, बट एक्साइटिंग है। सर अभी कुछ कॉल्स आई हैं, सम आई हैव लाइक सम आई हैव नॉट लाइक, बट जैसे ही कुछ होगा वी रेस्ट अश्योर्ड ये पूरी भीड़ आएगी कवर करने के लिए। हंड्रेड परसेंट नया क्या, बहुत धमाल करेंगे, बट कुछ अच्छा डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम करेंगे। जी जी आई एम वेरी हैप्पी कि अभिषेक और मनारा का नया गाना आ रहा है, एंड मुनव्वर भी अपने नए गाने की तैयारी में लगा हुआ है ऑलरेडी, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। मतलब मेरा बड़ा मन करता है उनको बोलने के लिए यार, मुझे जैसे मुनव्वर मेरी कल बात हुई तो ऐसे वो जा रहा था अपने रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने बोला यार
मैं मन किया बोलने का कि मैं भी आऊँ, मैं पता चले वहाँ जाके मैं चीख चिल्ला पड़ूंगी ये ऐसे, फॉरगेट इट, लेट हिम डू हिज वर्क, क्रिएट हिज म्यूजिक एंड फिर हम सब सुनेंगे बढ़िया सा गाना. मैंने देखा और क्या बोले, ही इज अमेजिंग, ही इज फैबुलस. एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया अबे, तो बोला अरे यार ये मुझे इम्प्रोम्प्टू आया था, पर जब मेरा होगा भी रेस्ट अश्योर्ड आप फर्स्ट रो में होगी. आई सेड और तू मेरी खिंचाई करेगा. All I have to say is any publicity is good publicity for both. So that's all I have to say for Elvish GB and for Munawwar also. As far as there's publicity, that's what matters, sweetheart. Thank you, thank you, thank you so much, guys. Thank you. Hanji, hanji. Thank you, Hanji. क्या चाहिए आपको बाइक में? बाइक में ये चाहिए कि यहाँ पे आए हो अभिषेक के साथ पार्टी में आए हो, क्या करने वाले अंदर ही बता. मैं जस्ट अभिषेक के ग्रोथ से बहुत खुश हूँ और मैं उसको सिर्फ कंग्रेचुलेट करने आई हूँ. एंड मैं शूट भी थी बट मैं कल ही वापस आई एंड बिकॉज इट वॉज अभिषेक इसलिए मैं आज यहाँ पर आ गई, वरना मैं बहुत थकी हुई थी ना आ पाती, बट अभिषेक के लिए आज शूट चला. थोड़ा बताएंगे क्या करना है आप? सरप्राइज है बट आई गिव यू अ हिंट, इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ स्पेशल सॉन्ग इन अ फिल्म इन द साउथ. सो साउथ में तो मैं पहले से फिल्म करी थी, हाँ कुछ एक सॉन्ग कर रही हूँ, एक स्पेशल सॉन्ग एंड इट्स इन द फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी, सो इट्स अ स्पेशल सॉन्ग. सो आई जस्ट होप जब रिलीज हो तो आप सभी को बहुत पसंद आए, बहुत मेहनत की मैंने, आई स्वेयर कमर टूट गई मेरी करते करते डांस. नो क्वेश्चंस रिलेटेड काम वाइज तो जो पहले काम छोड़ कर गई थी, जो थोड़े अधूरे कमिटमेंट्स थे वो पूरे कर रही हूँ फिलहाल. नए काम आ रहे हैं बट मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हूँ चीज़ों को लेके, तो बस अच्छे और बड़ी चीज़ का वेट करूँ. सुनने में कहाँ से आ रहा है आपको ये बताओ पहले मुझे, ये जो आप सुन रहे हो मुझे आप याद हो, बहुत अच्छे से याद हो, कहाँ से सुन रहे हो ये सब? बहुत सारी खबरें आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, अच्छी बात है ना, आपको तो खुशी होनी चाहिए. और एक फोटो भी वायरल हुआ था, पार्टी में भी पार्टी. यार गेट टुगेदर था यार, छोड़ दो यार उस टॉपिक को प्लीज. लेकिन पार्टी में क्या हुआ था पूजा? कुछ नहीं, हम सब विकी भैया जस्ट एविक्ट हुए थे, तो शो से रिलेटेड, एविक्शन से रिलेटेड, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ वाली. तो विकी भैया आ रहे हैं क्या? विकी भैया बात हुआ क्या? आने वाले हैं? नहीं एक्चुअली मेरी बात ही हुई बट जहाँ तक मैं जानती वो बिलासपुर में है. ओके डे बाय डे आप
अच्छा पहले नहीं थी? नहीं नहीं मतलब हर रोज नए नए मतलब नए ड्रेसेस में आप नहीं काफी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं कह रहा था अभिषेक के भी एल्बम आ रहा है, आपका भी एल्बम आ रहा है, साथ में दोनों एल्बम करने पर अभिषेक का एल्बम आ रहा है। हाँ और आज ही मैंने पोस्टर देखा अभिषेक और मनारा दोनों का, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर। कंपटीशन तो नहीं है सॉन्ग के लिए? कौन सा कॉम्पिटिशन, ये दोस्तों से कॉम्पिटिशन थोड़ा ना होता है यार, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा आयशा, अगर आपको ये ना अपॉर्चुनिटी मिले दो लोगों में से किसी एक को चूज करने का फॉर म्यूजिक वीडियो एज एन अभिषेक एंड मुना वर्स, आप किसे चूज करोगे? आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, एज एन आर्टिस्ट आई कैन वर्क विद एनीबॉडी, आई डोंट माइंड। मैं एक्चुअली शूट पे थी, शो के बाद मैं हैदराबाद में थी, आई एम सो सॉरी, मैं हैदराबाद में थी तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं आप ही लोगों से मिली हूँ, सबसे ज़्यादा मुलाकात मेरी आप लोगों से हुई है और बाकी अभी अभिषेक से मिली हूँ, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाई, बट आई एम होपिंग टू सी एवरीबडी हियर। क्या मनारा से वो तनाव खत्म हो गया? इट्स ऑल चिल, इट्स ऑल कूल, शी इज़ रियली अ नाइस गर्ल। शो में थोड़े यू नो वैसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट शी इज़ अ नाइस गर्ल, आई एम होपिंग टू सी हर टुडे। आखिरी में बात है, फेवरेट कौन सा सॉन्ग पर डांस करने वाला है, क्या करने वाला है आप? आप बताइए किस गाने पे डांस करना है, मैं कर लूँ। जिस तरह की आप लोग ट्रेनिंग बैठी है, बॉडिंग बैठी है, दोनों चुनरी चुनरी, ठीक है जिस गाने पे बोलेंगे आप मैं डांस करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, to the Big Boss contestants. Reunion happening, big party. Yeah, the reunion is bahut acha. I'm very happy to see everybody, especially Abhishek, as you know. Yeah. And it's very nice to see everybody. It's like a family. So I'm very happy to see everybody. Very good. Okay. So did you have a word with Abhishek regarding whatever? I know. I need to go and do it now. I just arrived like 10 minutes ago. I'm just settling in, but I was very happy to see him, he was very happy to see me, so let's see what happens. Munawar Fazli's new song is coming. Munawar is coming. Yeah. Of course, Munawar, he's very good. He played the game very well in Big Boss, and I'm very happy to see him again. And I'll see him again in the next day or so for the Big Boss finale party. Also, you are exploring Mumbai. Yes, I know. I'm going around Mumbai learning more about the culture, hopefully trying to improve my Hindi. But I think a lot of my followers and audience, they like it. You know, I'm like the Big Boss international contestant exploring Mumbai, and I really enjoy it. It's very good. The next party is on 9th of February. Yes, February, yeah. You have to say, are you excited for that? Yes, I think 9th of February is going to be very good. I think everybody's going to come together. It's going to be one party, and you know, like Manara says, party vibe. Yes. Finally, you are meeting everyone today. So we would like to know with whom you have your friendship zone or enemy. No, but to be honest with you, I've become good friends with everybody, like Neil, Rinku, Aisha. Even though I haven't been with Aisha in the house, she's still a very good friend of mine. So I'm happy to see everybody. I have no problem. Everybody's very good. We're like family. Okay. Abhishek, video coming? Yes, I know. I'm very excited to see the video with Abhishek and Manara. I think they're beautiful together. And I just hope Manara doesn't take him away from, you know, from me, you know, with Abhishek. And I'm very proud of them. They're very deserving, and I wish them the best. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। या यस सर, बताइए सर आप।
पार्टी तो धमाल करने के लिए होती है एंड यस आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अभिषेक यार, इट्स बीन अ वाइल. फिनाले में आई थिंक मुश्किल से 2 मिनट मिले थे स्टेज पर, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया था. एंड उसके बाद डायरेक्टली आई थिंक घर के बाद डायरेक्टली अभी मिल रहा हूँ प्रॉपरली, अभी मिला उसे एंड या आई मीन वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. घर में तो काफी फाइट हो गया, बाहर भी कुछ ऐसा होने वाला है या क्या पार्टी होने वाला क्या होने वाला है? इधर आपको बिग बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं ना, इधर कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. तो क्या कुछ डांस वूस करने वाले हो या जो हो गया बिग बॉस बहुत नया जर्नी पे स्टार्ट करने वाले हो? बिल्कुल, मतलब म्यूजिक बजेगा, डांस करेंगे यार, सब डांस करेंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट मेरे जितने भी हमारे जो ग्रुप वाले थे वहाँ पर, अभी आए हैं सब, मिले हैं, उन्हीं से मिलकर आ रहा था तभी आप लोगों ने बुला लिया तो मैं आ गया बाहर. ऐश्वर्या आपके साथ कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? आई होप जल्दी ऐसा कुछ हो जाए. आपके मुंह में घी शक्कर यार. जी आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, सीरियसली ऑल द बेस्ट. आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट सीन इट यार, बट आई एम श्योर ही इज़ ग्रेट यार. मैंने उसको अंदर बोला था मैं तेरी कॉमेडी का परपेचुअल फ़ैन हूँ, मतलब इस तरह से मैंने उसको बोला था. वो जो एटलीस्ट शो में जो करता था, इसके पहले मैंने उसका एक भी काम देखा नहीं था, पर शो में जो भी उसने आई डोंट नो कितना दिखाया आप लोग को पता नहीं, लेकिन उसने जो हमारे साथ बैठ के जो वो जोक्स मारता था वो कमाल के थे यार. इमेंस फैन फॉलोइंग दे हैव एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, सीरियसली बहुत. आई थिंक इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट जब इतने लोग आपके फैंस होते हैं. सर एक बात बोलिए, अंकिता और आपका अभी जब निकले आप अंकिता के साथ मुलाकात हुआ, किस तरह के बोले कि आप काफ़ी सारे मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट कर रहे थे, तो क्या किसी अभी तक कोई मुलाकात हुई नहीं है? अभी तक मतलब कुछ मिलने के मतलब प्लान उन्होंने बना कि भाई मिलने अभी तक बना ही नहीं है. आई थिंक घर से निकलने के बाद सब बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो आई थिंक कोई अभी तक वैसे प्लान बना नहीं. अभिषेक ने खतरों के खिलाड़ी करने में ये खबर आ रही है, अभिषेक को मना रहा खतरों के खिलाड़ी, यू नो शो एक्सेप्ट किया है उन्होंने, उनका जो प्रपोजल था, तो क्या इस बार मेल देख सकते हैं लास्ट सीजन में ऐश्वर्या थी? तो आई डोंट नो यार, आई एम नॉट येट डिसाइडेड एंड अभी तक मुझे ऑफर भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो. एक बात फाइनली, आप लोगों को नहीं लग रहा कि अच्छे जोड़ी खेले थे आप ऐश्वर्या खेले थे, आपको काफ़ी जल्दी निकाले है, मतलब इस तरह से लग रहा है आपको? आई थिंक 11 हफ्ते गुड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम आई कैन से, सो वी आर हैप्पी विद आवर जर्नी. कुछ लोग बोलते सेटिंग था बिग बॉस के, सही में सेटिंग था बिग बॉस? किसके साथ आपको कॉल आया था? आपने सेटिंग किया था बिग बॉस के साथ? क्या मतलब खाली कंट्रोवर्सी के लिए आपको सवाल पूछने? बस आप उसको पूछिए जिसको लगता है जिसकी सेटिंग हुई है, आप मुझे मत पूछिए. जैसे होगा आपको पता चल जाएगा, जैसे ही कुछ साइन करूंगा आपको पता चल जाएगा. तो सबके म्यूजिक एल्बम आ रहा है, तो आपका कब म्यूजिक एल्बम देखने को मिलेगा? मतलब आप कब गाना गाओगे? आपके गाने के ऊपर म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ मैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट. थैंक यू गाइस, थैंक यू. अभिषेक भाई की पार्टी है, बैक टू बैक बिग बॉस से बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं अभिषेक भाई? ये एल्बम भी आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. फिनाले के बाद हम लोग सब फर्स्ट टाइम मिले हैं आज तहलका जी की पार्टी में. बिग बॉस चल रहा था तो सब लोग नहीं मिल पाए थे, तो आज सब लोग मिले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. बिग बॉस के घर के अंदर एक दूसरे को मतलब बाहर सब एक बिग बॉस के अंदर एक दूसरे को काट खा रहे थे, तो बिग बॉस के बाहर देख रहे दोस्त यार, ये सच्ची में अंदर होता लड़ाई ऐसा ही एक लड़ाई होता था? मैं तो मेरी ही बात करूँगी, मैंने कहीं कभी किसी से अंदर भी लड़ाई नहीं की, तो मेरे तो सभी से अच्छे रिश्ते हैं, बाकी जो लड़ाई कर
एक राइट हैंड था एक लेफ्ट हैंड था, दोनों ही बच्चे आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। यार देखो अभिषेक और हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं अब दोस्ती से ज़्यादा है, अभी भाईचारे का है। तो जब अपना घर का कोई फैमिली मेंबर सक्सेसफुल होता है या अच्छा करता है लाइफ में, वी फील गुड, वी फील एक्साइटेड। जैसे ही ऐसा कुछ होगा आपको न्यूज सबसे पहले मिलेगी। ओके, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया अभिषेक को, पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा है, डबल सेलिब्रेशन है, एक तो बिग बॉस की पार्टी है प्लस हमारा नया गाना सांवरे का पोस्टर लॉन्च हुआ है, सो वेरी मच एक्साइटेड। इट्स विद देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस ब्रांड, ग्लैड टू एसोसिएट एंड बॉम्बे, आई एम लविंग योर वाइब, आई लव यू बॉम्बे। शूट का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, चंडीगढ़ गई तो मैं एक भी मिनट हिंदी में नहीं बात करी थी, पंजाबी पंजाबी एंड फुल ऑन पंजाबी एंड बहुत मज़ा आया। ठंड भी बहुत थी, मेरे सारे कजन्स आए मुझे अम्बाला से मिलने जो मेरी नानी का घर है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सेट पे भी बहुत मज़ा आया, चाय वाले वीडियो पे सब खूब गाने बजा रहे थे माइक लेके फ़ोन पे रख के एंड बहुत सारे यू नो लोगों से वहाँ पर इंटरेक्शन हुई, फीमेल फैंस, छोटे छोटे बच्चे इतने होटल लॉबी में मिले एंड दे वाला एक मनारा दीदी वी लव यू, सो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। अभी पहली बार मैं स्टेप आउट करी थी यू नो इन अ पब्लिक डोमेन आउट ऑफ मुंबई और जो जो प्यार है वो बहुत ओवरवेलमिंग है, सो थैंक यू सो 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 मच। सॉन्ग का नाम ही सांवरे है तो ऑफकोर्स सब समझ ही सकते हैं एंड पोस्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, बहुत कंपोज करके बनाया है हमने, दोनों के सेम आउटफिट्स हैं एंड एवरीथिंग जो पहला पोस्टर आया है एंड बहुत ही अच्छा गाना है, अखिल सचदेव का गाना है, इट इज़ गेटिंग रिलीज बाय देसी म्यूजिक फैक्ट्री, सो आई एम हैप्पी। शूट के मैंने इतनी ठंड में शिफॉन की साड़ी पहनी थी तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, मुझे अभी बस इतना ही याद है। ओह माय गॉड, ओह वाओ, 300 मिलियन व्यूज हुए, आप सबके मुंह में घी शक्कर एंड आई होप जैसा आप मेरे लिए प्रे कर रहे हैं बिकॉज आप सब हैं मीडिया है तभी मैं हूँ और आप लोग सब मुझे इतनी अच्छी गुड विशेस दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप वर्ड्स में नहीं बता पा रही, आपको पता ना कभी कभी मैं बोल नहीं पाती। आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे गई तो कहीं पे आ गया था दैट शी इज गोइंग टू एलए कि मैं एलए जा रही हूँ, नहीं नहीं मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ, काम करना है मुझे, मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट, मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है। सॉरी आई डोंट नो, आई हैवंट रियली, आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट बट हाँ मतलब कलर्स एंड मॉल वायोकॉम दे आर लाइक फैमिली, तो जब वो बुलाएंगे ऑफकोर्स मेरा जाना बनता है, बट एज ऑफ नाउ
मैंने इतना नहीं सोचा बिकॉज मुझे फोबिया बहुत है इन सब चीज़ों का, सो आई थिंक अबाउट इट. I don't know about that. अभी तो इसके बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है तो I'll be busy with those promotions. And let's see, जो भी डेस्टिनी में होता है वो तो होके ही रहता है. I think we share a great bond inside the house and I wish him all the best for his future endeavors. Thank you so much. Thank you. आप एयरिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. अच्छे लग रहा है मुझे, पता था मैंने डिसाइड कर लिया. सेंटर यहाँ पे. थैंक यू जी. यहाँ पे भी एक सेंटर. आई जस्ट गेट माय पर्स. नहीं नहीं अभी लिपस्टिक लगा दिया, बार बार नहीं लगाती. चलो हमें पार्टी करना है ना, पहला पार्टी बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद और गाना रिलीज होने वाला है तो डबल पार्टी तो बनता है. सोनिया जल्दी निकल गई यार. इसको लाइन मारना था वो नहीं हो पाया. अभिषेक तो हमेशा ही ब्यूटीफुल गर्ल्स के आसपास रहते हैं. ये बिग बॉस के बाद हुआ है, पहले ऐसा नहीं था. नॉट मोर देन यू ब्यूटीफुल. इंग्लिश सीख के आयो अंदर से मैं. That's Abhishek for you all. अब आपको पता चला हम लाइव कैसे होते हैं. घर के अंदर सोचो कितना मस्ती मारते हो और थोड़ा सा लड़ते हैं. बहुत लड़ रहे हैं आज तो हम सेट पे भी लड़ पड़े थे कल. हाँ, almost. बिग बॉस वाली बातें हो रही थी वहाँ पे भी. हमें फील आ रहा था बिग बॉस का थोड़ा सा. बट आप सांवरे प्रमोट करो, हमारा सांवरे गाना आ रहा है 12 तारीख को. बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट मैं तो स्टार्टिंग से ही प्रमोट कर रही हूँ और अभिषेक तो है ही हमारे हीरो. लाइन मार रहे हैं नंबर वन. लाइन मार रहे हैं. अरे यार क्या बात कर रहे हैं. आप लोग इनका गाना देखें. अभी इतने दिन बाद ये बाहर निकल के आए हैं, कैसा लगा होगा वैसे अचानक शूट पे जाना. मतलब आपको दो हफ्ते अंदर आए कैसा लगा था? मुझे इनफैक्ट मुझे काम आने लगा तो फिर मैं अपने में बिजी हो गई. बट वो इतना लंबा जर्नी करने के बाद कैसा लगा होगा अचानक शूट पे. हम बोट पे सेल करते करते अकेले पहुंच ही गए गाइस. बहुत मजा आया और बहुत लोग आके पूछ रहे थे क्या हो रहा है हम बता नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है. बट बहुत अच्छा शूट हुआ है. एक्चुअली बहुत अच्छा शूट हुआ है और बहुत ही रोमांटिक है. रोमांस और इनफैक्ट मेरा रियल रोमांस निकल रहा था मेरा मनारा के साथ. तो प्लीज देखना 12 तारीख को प्लीज देखना. 9th को टीजर आ रहा है और 12th को रिलीज हो रहा है. अच्छा नहीं लिखा ही आ गया. ये आपने तीसरी बार मुझे लगता है इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना. इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता. मनारा से पूछिए. मनारा जा रही है. ऑलरेडी बिग बॉस के घर में काफी खतरों वाले खिलाड़ी थे जिनको मैं देख रही थी और उनके बीच में से निकल के आगे तक पहुंची हूँ. तो अभी थोड़ा मुझे पार्टी करने दो और बाकी पार्टी के बाद बताऊंगी. नेक्स्ट के बाद पार्टी के बाद वाइब के बाद बताएगी कि मनारास वाइब जो चल रही है वो खतरों में जाएगी या नहीं. अभी एक खतरे से निकली हूँ यार बिग बॉस की. अभी एपिसोड्स तो देख लूँ अपने सारे. क्या किया मैंने? सोनिया भी जा सकती है. देखो पहले मुझे बोल रहे थे कोई भी नहीं, अभी आप तीन तीन नाम जोड़ रहे. देखो कहाँ मेरी उपलब्धियाँ कहाँ पहुँच गई. नहीं नहीं सर अभी कोई भी नहीं है. इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि मैं इनको डेट कर पाऊँ. इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए हैं. आईएएस वाला
मनारा आप खाली हैं? आपको मैं पसंद हूँ? मनारा को चाहिए आई। मनारा को मैं पसंद नहीं हूँ। देखो जो भी मुंडा पंजाबी विच गल करता है मनारा आधी फ्लैट ते वैसे ही हो जाती है ते ये तो साडा पंजाब दा शेर है ते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बोली सेम है बाकी आप देख लेंगे बाकी मैं इन्हां दी मम्मी नाल गल कर ली नहीं नहीं की गाना कदों रिलीज होना ओहदे बारे रवि सर को मैंने बोला था बट आई थिंक वो बॉम्बे में नहीं है अभी कॉल करता हूँ उनको आ जाए तो मैं सरगुन जी को सेट पे मिला हाँ कल मैं सरगुन मैम को मिला तो वो भी बहुत खुश थे तो आ जाए तो अच्छा ही है जी 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 चलो गाइस जो मैं बिग बॉस में रोमांस नहीं कर पाया मैंने बाहर थैंक यू भाई थैंक यू सो मच